बीती रात खुर्सीपार थाने क्षेत्र अंतर्गत आने वाले आईटीआई ग्राउंड में मारपीट की घटना में घायल हुए युवक को रायपुर रेफर किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मामले में समाज के लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। फिल्म गदर के चलते बदमाशों ने युवक को इतना पीटा कि उसकी हत्या ही कर डाली। घटना दुर्ग जिले के भिलाई स्थित आईटीआई ग्राउंड की है। बता दें, शुक्रवार देर रात बदमाशों ने युवक की बेरहमी से पिटाई कर डाली और गंभीर हालत में उसे रायपुर के रामकृष्ण केयर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत भी हो गई। युवक मलकीत सिंह की मौत के बाद पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सिख समाज और भाजपा के लोगों ने थाने का घेराव कर दोषियों को जल्द फांसी की सजा दिए जाने की मांग कर डाली और साथ ही पत्नी को सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए मुआवजा की मांग की। समाज के लोगों ने हाईवे में चक्का जाम कर जमकर प्रदर्शन किया और आक्रोश जताया। तुरंत पूरे शासन प्रशासन के लोग लग जाएंगे सेट करने में और यहाँ पहुंचे हुए हैं जो चार लोग फिटिंग करने के आपको बताना चाहेंगे कि बीती रात कुछ नशेड़ी युवकों ने गुरुद्वारा प्रधान सरदार कुलवंत सिंह के बेटे मलकीत सिंह उर्फ वीरू का रास्ता रोक मारपीट की। 35 वर्षीय मलकीत रात में जब गदर 2 मूवी देखकर लौट रहा था, तभी कुछ लड़कों ने उसे रोक लिया। मारपीट से घायल मलकीत को रायपुर में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिस आईटीआई ग्राउंड में मारपीट की घटना हुई, वो नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। यहां अपराधी किस्म के लोग हर वक्त देर रात तक नशा करते हुए बैठे दिखाई पड़ सकते हैं। इस दौरान कोई अकेला अगर मिले तो वो लोग उससे रुपए की मांग कर मारपीट करते हैं या दबंगई किया करते हैं। मलकीत सिंह निवासी दुर्गा मंदिर के पास गौतम नगर खुर्सीपार शुक्रवार रात बाइक से मूवी देखकर लौट रहा था। रात 9 बजे के करीब जैसे ही वो खुर्सीपार थाना क्षेत्र अंतर्गत आईटीआई मैदान के पास पहुंचा, करीब 5-6 लड़कों ने उसे रोक लिया। रोकते ही वो लोग उससे गाली गलौज करने लगे। जब मलकीत ने विरोध किया तो उसको चाकू टिका कर जमकर पीटा। आरोपी मलकीत को वहीं अधवारा छोड़कर भाग भी गए। सूचना पाकर घरवाले मौके पर पहुंचे और उसे तुरंत खुर्सीपार के निजी अस्पताल में लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर होने की हालत में उसे रायपुर रिफर कर दिया। रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मलकीत ने देर रात दम तोड़ दिया। मलकीत के पिता सरदार कुलवंत सिंह बिल्डिंग मटेरियल की दुकान चलाते हैं। घटना के बाद से पूरे सिख समुदाय में रोष व्याप्त है। गुरुद्वारा कमेटी के सभी सदस्य और सिख समुदाय के लोग और साथ ही बीजेपी के जिला अध्यक्ष पार्षद और श्रीराम जन्मोत्सव समिति के युवा विंग अध्यक्ष मनीष पांडे सहित बड़ी संख्या में खुर्सीपार थाने पहुंचे। उन्होंने आरोपियों की धरपकड़ की मांग को लेकर थाने का घेराव भी शुरू कर दिया। बढ़ते तनाव को देखते हुए एएसपी संजय ध्रुव और दूसरे थानों को बल भी वहां पहुंच गया। वहीं एडिशनल एसपी संजय ध्रुव का कहना है कि घटना के बाद तुरंत ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसमें 4 आरोपी को अब तक गिरफ्तार किया गया है, बाकियों की पतासाजी की जा रही है। आरोपी बल्लू बिहार फैजल, तस्वीर खान, अविक मराठी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी मांगों को लेकर शासन स्तर पर बात भी की जा रही है। ये खुर्सीपार थाना क्षेत्र का मामला है। रात में कुछ युवक वहाँ मैदान में बैठे हुए थे और उनके बीच आपस में विवाद हुआ। विवाद के दौरान हाथापाई हो गई। हाथापाई के बाद एक युवक को भी चोट लगी थी, तो उसको हॉस्पिटल रेफर किया गया। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद फिर रायपुर रेफर किया गया, क्योंकि स्थिति थोड़ी बिगड़ गई थी। रायपुर पहुँचने पर उनकी मृत्यु हो गई है। उसके बाद से हम लोग लगातार, जैसे ही सूचना मिली है तो हम लोग अलग अलग टीमें बना करके आरोपियों की पतासाजी में जुटे हैं। एक आरोपी को हमने हिरासत में भी ले लिया है और भी उसके अलावा जो भी आरोपियों के नाम आ रहे हैं उनके पीछे भी टीम लगी हुई है और जल्द से जल्द सभी को हिरासत में ले लिया जाएगा। सर, क्या कहना चाहेंगे वहाँ पे लोग धर्म का विवाद? मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि ये जो मारपीट हुई है, बेसिकली इनके बीच में आपस में वहाँ बैठे बैठे सडनली एक विवाद हुआ और उसके बीच में मारपीट हुई है। पुलिस पूरी मुस्तैदी से लगी हुई है और सारे आरोपियों को पकड़ने का प्रयास जारी है। जल्द से जल्द सारे आरोपी पकड़ लिए जाएंगे, इसलिए शांति व्यवस्था बना करके रखिए, यही लोगों से मैं निवेदन करूँगा। खुर्सीपार थाना क्षेत्र में मलकीत हत्याकांड के मामले में अभी तक 5 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और इसमें दोनों समुदाय के लोग हैं।
अभी हमारी कोशिश है कि और इनसे पूछताछ करके यदि अन्य लोग शामिल हैं तो उनकी गिरफ्तार जल्दी हो और मामले का पटाखे जल्दी से। सर हत्या का क्या कारण सर निकल पाया? हत्या का कारण कोई विशेष नहीं था, दोनों पक्ष वहीं पर बैठ के शाम को अड्डेबाजी कर रहे थे और बाताबादी में ही लड़ाई शुरू हुई थी। आगे इस तरह की घटनाएं उस क्षेत्र में खुर्सीपार थाना क्षेत्र का मामला है जहां बीती रात दो पक्षों के बीच में मारपीट हुई थी, जिसमें एक पक्ष जो मृतक है मलकीत सिंह उर्फ वीरू उसको कुछ अज्ञात लड़कों के द्वारा हाथ मुख से मारपीट करके चोट पहुंचाई गई थी और तबीयत खराब होने के पश्चात हॉस्पिटलाइज किया गया था और हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मलकीत की मौत हो गई थी और उसी पर से इस मामले में अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है IPC की धारा 302 के तहत और कुछ संदेह हिरासत में लिए गए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है और जल्दी ही मामले का पटाक्षेप किया जाएगा और मोहल्ले के लोग और समाज के लोग आक्रोशित होकर थाने आए हैं और उनसे भी बातचीत की जा रही है। सर गदर फिल्म वाली कहानी सामने आ रही है, गदर फिल्म देखने के बीच में लिखे हुए ये तो लोगों के द्वारा कही गई बातें हैं, पुष्टिजनक तथ्य अभी तक नहीं आए हैं और आरोपियों के और अन्य तथ्यों के सामने आने के पश्चात ही क्लियर हो पाएगा। कितने लोग होंगे? 5-7 लोग करीब थे जी। एक कुर्सी पार के अंदर आज पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर फेल है, उसका एक उदाहरण हम लोगों को कल रात को देखने को मिला कि एक युवक जो सिख समाज से आता है मलकीत सिंह वीरू, उसकी एक हत्या की जाती है और सिर्फ इस बात पे की जाती है कि वो गदर मूवी देख रहा था और गदर मूवी का एक सीन है जिसमें सनी देओल वो हैंडपंप से मारता है। ऐसी घटना पूरे भिलाई को शर्मसार करती है और ये प्रशासन और शासन दोनों पर सवालिया निशान खड़े करती है कि निरंतर इस तरीके की घटना जो पुलिस के लोग हैं उनकी जानकारी में हो रही है। इनको ये जानकारी है कि नशे में लोग रात को मैदानों पर खुलेआम इस तरीके की कार्रवाई करते हैं, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज भिलाई पूर्ण रूप से गुंडा राज की ओर जा रहा है, भिलाई में प्रशासन व्यवस्था जीरो हो चुकी है। आज पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं आज हम शासन और प्रशासन दोनों को इस तरीके की जो चीजें हो रही हैं उसके लिए दोषी मानते हैं। देखिए हम पूरे उनके परिवार की ओर से अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हैं और उनके परिवार की जो भी मांगे हैं, सबसे पहले तो जो कार्रवाई होनी चाहिए पूर्ण रूप से, जो भी धाराएं लगनी चाहिए वो पूरी धाराएं इनके खिलाफ लगे, ट्रांसपेरेंट रूप से इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी मांग सिख समाज द्वारा भी जो किया जा रहा है उसका भी हम पूर्ण समर्थन करते हैं और उनके साथ भी जो वो मांग करते हैं, क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री तो निरंतर जो है उत्तर प्रदेश में कोई घटना होती है तो 50 लाख रुपए का मुआवजा देते हैं, पर यहाँ पर अगर कोई घटना होती है उसके लिए उनका कोई भी एक प्रतिनिधि मंडल भी कोई मुआवजा नहीं दे सकता, उस परिवार के साथ कोई संवेदना नहीं व्यक्त करता। ये बहुत बड़ी दुखद घटना आज पूरे छत्तीसगढ़ और भिलाई के अंदर हम लोगों को देखने के मिल रहा है कि आज भिलाई गुंडा राज बनता जा रहा है, नशा का गढ़ बनता जा रहा है। ये घटना की जानकारी तो हम लोगों को बाद में मालूम चली, हम तो घर में थे, हमको इसकी पूरी जानकारी नहीं थी कैसा हुआ, लेकिन मेरा भतीजा जो मृतक वीरू उर्फ मलकीत सिंह उसके साथ में उसका दोस्त फंटू ओम कुमार था, जो पावर हाउस होते हुए केनाल रोड में गुटखा खा रहे थे या कुछ ऐसा बैठे हुए थे जहाँ रावण जलता है ATI ग्राउंड में, उस जगह पे इन्होंने गदर फिल्म की मूवी देख रहे थे। ऐसा कुछ सीन आया होगा जिसका वो खंभा उखाड़ देना इस टाइप का कुछ सीन आता है ना उसमें सनी देओल का, तो बोले देखा सरदारों का रोल बोले कैसा करते बोले, तो ये बात बोलते बोलते वो उन्होंने क्या किया पीछे 6-7 लड़के जो सोलोशन सूंघ रहे थे ऐसे रुमाल बांध के और गांजा वांजा पीते 6-7 थे, वो इन दोनों पे फलटू पे और मेरे भतीजे मलकीत पे पिल पड़े और इतना मारे कि उसका अंदरूनी हिस्सा जो डैमेज हो गया, ब्लडिंग अंदर जम गई और स्थिति जहाँ ख़राब हो गई और एक घटना करने के बाद वो भग गए, जो वारदात करने वाले भग गए। उसके बाद मेरे भतीजे को फ़ोन किया, बड़े भतीजे को, वो गया उनको दोनों को लाया यहाँ IMA में भर्ती किया, उसके बाद श्रीमन डायग्नोसिस में उनका वो CT हुआ, उसके ज़्यादा स्थिति खराब होने के बाद उसको ले जाया गया वहाँ पर रामकृष्ण केयर में जहाँ उनका सुबह देहांत हो गया।
और शासन प्रशासन मौन है। 7:30 बजे की घटना है और देख लीजिए अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। संप्रदाय विशेष के लोगों को अगर थप्पड़ मार दो तो पूरा परिवार उठा के ले आते हैं, थाना प्रशासन पूरा उनके सपोर्ट में आता है। लेकिन आज मेरा भतीजा, मेरा जवान बेटा मेरे हाथ से निकल गया, शासन प्रशासन की अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं यही चाहूँगा कि शासन प्रशासन की ओर उचित ध्यान दे, अन्यथा सिख समाज और पूरा छत्तीसगढ़ सिख पंचायत पूरा और जितना भी खुर्सीपार है सारा आंदोलन करने के लिए रोड पर मजबूर हो जाएगा। ग्रेनेड न्यूज़ के लिए हर्ष सोनी के साथ शाहिन खान की रिपोर्ट।